हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ हैं, 4-5 घंटे से लगी हुई और करते जा रही हूँ, काम करते जा रही हूँ और आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी मैंने कुछ पौधे लगाए, वो पौधे लगाना भी इतना ईजी नहीं होता। पुरानी मिट्टी निकालो, उसमें से नई मिट्टी डालो, खाद मिलाओ, ये करो वो करो, फिर उसमें से जो पुराने पौधे निकले उनको भी सेटल तो करना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो ये सब करते करते ये टाइम हो गया, अभी 5:30 बज रहा है और अभी आप दिखाऊंगी मैं तो आपको लगेगा मैंने कुछ भी नहीं किया। खैर, मैं आपको अपने प्लांट्स का ओवरव्यू दिखाती हूँ, अपडेट कि इसमें क्या क्या नई चेंजेस हुए हैं। तो जहाँ जिस गमले में हाथ लगाऊँ ना, ढेरों वीड्स निकलती है। देखो, अब नीचे मैंने किया कैमरा तो इसमें निकल आई है ना, ये निकाल निकाल के मैं थक गई हूँ। खूब जगह जगह ढेर आपको दिखाऊंगी अभी मैं, कितने मैंने कही हैं। ये कोलियस देखो आप किस कदर बढ़ गई है, बिल्कुल जंगल जैसी। इसको काट के मुझे मिक्स एंड मैच करके बना दूंगी। कोलियस मेरे पास 3-4-5 तरह की है, 6 तरह की, और ये सब मिक्स मैच करके मैं आपको अभी गमला भी बना के दिखाऊंगी एक आध दिन में। और ये है, ये मेरी लास्ट टू लास्ट ईयर की हैं बिगोनियाँ जो दिख रही है ना आपको। इसमें से एक गमला ये इधर का ख़त्म हो गया और इस वाले में से बस इतना ही बचा है। फिर मैंने कटिंग वटिंग लगा रखी थी, मुझे लग गई है ना, तो ये बच गए मेरे एक बिगोनिया ये है। और ये कोलियस एक ये है, और इधर सारे ये सब जो पौधे हैं सब शेड वाले प्लांट्स हैं इसमें जो रखे हुए ना, क्योंकि यहाँ ग्रीन नेट बंधी हुई है इस साइड। और ये इस साइड जो लगी है ये स्पाइडर प्लांट की कटिंग कहीं से टूट गई थी, वो लगाई थी, ये भी अब अच्छा घना हो गया, खूब रनर निकल आए इसलिए। स्पाइडर प्लांट को आप छोटे पॉट में लगाएंगे ना तो ये रूट बाउंड होगा, जल्दी रूट बाउंड होगा तो उसमें से जल्दी रनर्स निकलेंगे। और ये तो स्नेक प्लांट है, और ये देखिए ये एक मेरी बॉन्साई है, और ये जो छोटी छोटी होती है ना इसमें ही लटकाने वाली जो होती हैं हैंगिंग बास्केट की, ये मेन में लगा देती हूँ तो ये मेरे एक मल्चिंग का काम करती है। हालांकि ये छोटा ही सा है लेकिन ये बचा हुआ है मेरा। और एक ये है फाइकस का, दो हैं एक्चुअली ये फाइकस के मेरे बॉन्साई, और दोनों खूब अच्छे चल रहे हैं। और ये इधर ये फॉक्सटेल फर्न है, ये ऑर्डिनरी फर्न है। ये देखिए एक फर्न ये किस कदर फैल रहा है ज़बरदस्त, उसमें एक लगा हुआ था फिलोडेंड्रोन वो गायब हो गया, इसका इतना सा ये पत्ता दिख रहा है, इसको निकाल के इसको अलग करूँगी। ये मनी प्लांट ज़मीन में फैल रहा है, ये हैंगिंग बास्केट सब उबल उबल के गिर रही है है ना। और ये देखो बिल्कुल नीचे ज़मीन तक आ गई। जो लड़का पानी डालता है ना, मुझे लगता है पानी वो गमलों में कम डालता है, पानी डालता है वो कि मिट्टी निकाल लूँ मैं बाहर। अब देखो कितनी मिट्टी निकली पड़ी है कि सब में ना काई लग गई है, मुझे चलते डर लग रहा है कि गिर ना जाऊं। और ये सारी कोलियस है मेरी अलग अलग तरह की, आपको मैंने अभी कहा था ना मेरे 5-6 तरह की हैं। और ये भी सारे इस साइड सब ये शेड लविंग प्लांट्स हैं, जितने इनमें मैंने कटिंग लगा रखी थी वो सब कटिंग रेडी हैं। ये देखिए बोगनवेलिया है, ये तैयार हो गया। बोगनवेलिया थोड़ा देर से लगता है तो थोड़ी ना लगाने के बाद पेशेंस रखना चाहिए। ये भी बोगनवेलिया की कटिंग ही है, ये देखिए इसमें फूल भी आ गया। और ये है धनवर्जिया, सारी कटिंग्स लग गई इसकी भी। और इसमें लगाई थी मैंने ये अपराजिता की कटिंग्स, ये भी लग गई हैं सारी, और दिखाती हूँ। और ये सब तुलसी की कटिंग लगाई थी इसमें, इधर ये भी लग गई हैं, ये सब इसमें कटिंग्स लगाई थी मैंने क्रिसमेंथियम की, ये सारी लगी हुई हैं। अगेन ये हैंगिंग बास्केट्स मेरी सब बहुत अच्छी चलती हैं, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी चल रही हैं, मुझे भी दिखता है। लेकिन मुझे कभी लोग पूछते हैं कि आप क्या करती हो, तो भाई एक्स्ट्रा तो ऐसा कुछ नहीं करती, जो मैं वीडियो में बताती हूँ बस वही करती हूँ। अब ये इतनी लंबी लंबी लटक रही हैं गुफाओं जैसी। और ये है ब्लीडिंग हार्ट, ये दो गमले हैं मेरे पास और दोनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और दोनों सेम कलर के ही हैं। देखिए कलर इसका अच्छा लग, कलर्स में और भी आते हैं। ये कटिंग्स लगाई थी मैंने भोपाल से लाके एम्पेशंस की, देखिए सारी खूब लग गई, इनको सबको अलग अलग करना है, कल करूँगी आके। और ये डायंथस की कटिंग लगाई थी, आप देखो सब तैयार हो गई, बहुत इसीलिए लग जाता है डायंथस। तो अगर आप एक भी पौधा लाते हो तो उससे बहुत जल्दी आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। इस साइड सारे रोजेस हैं, अभी इनकी भी करना है ना। ये देखो आप फूल खूब अच्छे आ रहे हैं सब में, लेकिन वीड्स वीड्स खूब उगी हुई हैं। चाइना ऑरेंज देखिए,
क्या ज़बरदस्त दे रहा, बस इसे खाने के लायक नहीं है। अदरवाइज़ इसे अभी तक तो सब पड़ोस पड़ोस के लोग खा के ले गए होते, बंदर खा जाते हैं, जो लड़का पानी डालने आता है वो भी घर ले जाता है। ये इसीलिए लगे हुए दिख रहे हैं। और ये बुगनवेलिया हैं मेरे सारे, सब अच्छे फूल रहे हैं। और ये देखिए गुलाब, ये जो है मेरा स्नो वाइट रोज़ है, और इसके चार पांच गमले सब खूबर अच्छे भरे हुए हैं। अभी पीछे पीले गुलाब में और ऑरेंज गुलाब में भी फूल आए थे, अभी तो है नहीं। और ये लगी है लेमन ग्रास, इसमें सीड्स आ रहे हैं, तो मैं कल सीड्स इकट्ठे करूँगी इनके, देखूँगी दिन में कि ये सीड से कैसे ग्रो होती है, क्योंकि अभी तक तो मैंने इनको सबको ये वर्टिकल ग्रोथ जो हो जाती है उसी में से निकाल निकाल के अलग किया था। तो आप देख रहे हैं अभी काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता क्योंकि घुटने में ना काफ़ी प्रॉब्लम है, तो तेज़ी से मैं चल भी नहीं पाती हूँ क्योंकि डर लगता है कि दोबारा से ना लचक वचक ना आ जाए। ये है पेंटास, ये डार्क पिंक कलर का है और ये पर्पल कलर का है। ये इसमें लगाई थी मैंने कटिंग्स ब्लू डेज की, वो भी सारी लग गई हैं। और इस प्लांट का फिर से मैं नाम भूल गई हूँ, ये इसका फूल पूरा इसमें भर के फूल आता है, अभी फूल है नहीं इसमें। क्रिसमेंथियम काफ़ी अच्छी खिल गई है, ये जो बनाया था मैंने, देखिए आप अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसमें वीड्स लगे होने के कारण ना फ्लावर्स अलग से चमक नहीं रहे हैं, इनको कल निकाल के करूँगी साफ। और अभी ये भी लगाना बाकी है इनका, जिस गमले के पास जाती हूँ ना उसी में से ढेर निकाल निकाल के अलग करती हूँ, तो बहुत सारी इकट्ठी हो रखी है। ये देखिए एक मेरा ये है बिगोनिया, ये तो मैंने ख़रीदा था समर्स में, ख़रीदा था शायद अप्रैल मई में, और महंगा ही ख़रीदा था, 80-90 रुपये का ख़रीद के लाई थी उसको, और बड़ा दुखी हो रही थी। ये सारे अच्छे चल रहे हैं मेरे, इसमें सारे लगे हुए हैं, दिन का राजा, रात की रानी, लेवेंडर और गुड़हल हैं बहुत सारे तरह के। और आपको जो दिखाने ला रही हूँ मैं यहाँ स्पेशली, ये जरबेरा हैं मेरे, सब अलग अलग कलर के जरबेरा हैं और सब खूब अच्छे खिले हुए हैं। देखिए 6-7 गमले हैं, ये सब खूब अच्छे भरे हुए हैं। और ये अभी चल रहे हैं, इस बार इन पे पॉलीथीन बैग मैंने पहनाया नहीं क्योंकि ठंड इतनी पड़ी नहीं, अभी देखती हूँ अगर ठंड पड़ेगी तो इन सबको ये मुसंडा वगैरह जो है ना डेलिकेट प्लांट्स, मुसंडा गार्डेनिया, इनको पहना देती हूँ मैं पॉलीथीन, तो इससे मेरे ये बच्चे रहते हैं पुराने। और ये देखिए ये जो दिखाना चाह रही थी गार्लिक वाइन, ये पेंट के डब्बे में लगी हुई है, और ये देखिए काफ़ी अच्छी इस पर फ्लावरिंग हो रही है ना। ये अभी देखो यहाँ से ये निकला है, इसमें टमाटर की पौध लगाई है, ऑरिगेनो लगाया है, थाइम लगाई है, और इस साइड ये लगाए हुए मैंने पेंजी, इसमें से पुराने पर्सलिन लगी थी वो हटा के और पेंजी लगाई है। ऊपर ये जो अपने आप ही उग जाते हैं नेस्टर्शियम के मेरे, उसमें इधर उधर गिर के बीज, उससे नेस्टर्शियम लगाया है, और इसमें लगाई है ये पेंजी, और इसमें लगाए बर्फ़ बर्फ़ एक इसमें लगाया है, एक में और लगाया है, इनमें लगाए हैं हैसिंथ के दो बल्ब। ये देखिए अभी यहाँ बैठ के काम कर रही थी, अभी कल फिर करना है। ये मैंने जूही की बेल ली है, अभी आप बताया था ना पिछले भी उसमें भी वीडियो में मैंने, तो इसको भी लगाना है कल। और पर्पसली मैं आई थी कि गेंदे लगा दूँगी और वही नहीं लगे, तो कल मैं जो गेंदे लगाने हैं, और ये लगाना है साल्विया और सिनेनरेशिया, ये लगाना है, और टाइम मिला तो इनके पॉट चेंज करूँगी वो जो है फ्यूशिया के, और 12-15-16 पेड़ ये इसके केल के, इनको भी लगाना है, तो ये वाला एरिया पूरा खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद सफाई होगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का अधूरा काम गार्डनिंग का, जो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।